सर हमें पता चला वो स्मगलर आज फिर से थाने रोड के पास स्मगलिंग करने वाला है। श्योर? हाँ सर, खबर एकदम पक्की है। ठीक है, ओके, आई विल बी देयर।
है, पुलिस की नींद उड़ा के खुद आराम से सो रहे हो। जानता नहीं तू किसके गिरीबान पे हाथ डाला है। अब तू बचेगा नहीं साला। तू मेरी फिक्र छोड़। तू किसके लिए काम करता है और ये ड्रग्स आता कहां से और जाता कहां है? ड्रग्स मतलब तू पुलिस का आदमी है तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। बोल कितना पैसा लेगा मुझे आजाद करने का? वैसे भी तुम पुलिस वाले पैसे के लिए अपने तक बेच देते हो। मेरे सवाल का जवाब दे, ये ड्रग्स आता कहां से और जाता कहां से है? तो मेरे बाप को जानता नहीं है। एक फोन घुमाऊंगा ना तेरी पूरी किस्मत बदल जाएगी। बोलना कितना पैसा चाहिए मुझे छोड़ने के लिए? बोल। अफसोस इस बार वो ये तुम्हारे लिए कर पाते। He has got major heart attack. वो पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल में है। शायद तुम्हारे लापता होने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर खोल मुझे, जाने दे मुझे, खोल बोल रहा हूं ना, जाने दे मुझे। तू जानता नहीं है मेरे बाप के हरामी मैनेजर को। खोल मुझे, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो सारा दौलत हड़प लेगा वो। जाने दे मुझे। लगता है तुम्हें बाप से ज्यादा चिंता उनके दौलत की है। खैर देखो अब्बास, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे वो एक नाम बता दो जिसके साथ तुम काम करते हो। हु इज योर बॉस? तुम बाहर शहर में जाके एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हो। थिंक अबाउट इट। क्या गारंटी है और मैं क्यों विश्वास करूं तुम्हारा कि सब बताने के बाद तू मुझे छोड़ देगा? फिलहाल तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और मैं तुम्हें ज्यादा देर तक यहां रख भी नहीं सकता क्योंकि मुंबई पुलिस तुम्हें चारों ओर ढूंढ रही है। और हां, ये मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। याद है जो तुमने गाड़ी में पैसे लिए थे वो तुम्हें छोड़ने के बजाय मेरे हो जाएंगे। बस वो एक नाम बता दो। हु इज योर बॉस? सोच लिया। मैं मलिक के लिए काम करता हूं। मलिक एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग डीलर है। उसका मेन धंधा ड्रग्स का ही है। उसकी हुकूमत पूरे यूरोप और अमेरिका में फैला है। वो मुंबई के कोलाबा से ऑपरेट करता है। वो पूरे इंडिया को ड्रग्स की लत लगाना चाहता है को ड्रेस का गुलाम। लेकिन तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे जो जानना था मैंने बता दिया। अब छोड़ मुझे। खोल मुझे, अरे आजाद करना मुझे, अरे खोल ना। मेरा भारत महान, यही कहते रहते हैं ना हम लोग। पर देख तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़े ने आज क्या कर दिया। तेरे जैसे लोगों के वजह से ही आज हमारा देश दुनिया में बदनाम है।
और युवा पीढ़ी बर्बाद। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। अगर तुझे छोड़ दिया तो तुझसे बड़ा गद्दार मैं कहलाऊंगा। और तू छूट के करेगा भी क्या? ना तो तेरी आंखों में शर्म है ना अफसोस। तूने तो अपनी जिंदगी में बहुतों को मारा होगा। ले आज तेरी बारी। और ये मत सोचना कि तेरी गंदी कमाई को मैंने हाथ लगाया है। तो फिलहाल के लिए तुझ जैसों को